नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जाम। ये गुलाब जाम हम बनाने वाले हैं मावा से। इससे पहले मैंने एक गुलाब जाम की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वो हमने बनाए थे ब्रेड से। तो चलिए मावा गुलाब जाम बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जाम बनाने के लिए हमें चाहिए मावा। तो ये 250 ग्राम मावा है। ये गुलाब जामुन का मावा स्पेशली मार्केट में मिलता है, नहीं तो आप कोई भी मावा इसमें लोगे तो भी चलेगा। उसके बाद हमें चाहिए 70 ग्राम पनीर, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए मैदा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1/4 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 कप चीनी और 2.5 कप पानी। यहाँ हमने ली है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। आप इसमें केसर भी यूज़ कर सकते हो या रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन हमने गैस पर रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे चीनी और उसी के साथ पानी और इसे मीडियम गैस पे हमें चीनी मेल्ट होने तक पकने देना है और इसे हिलाते रहना है ताकि चीनी हमारे नीचे से जल न जाए। चीनी हमारी मेल्ट होने लग गई है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो 1 से 2 स्पून हमें सिर्फ इसमें दूध ऐड करना है। 1 और 2 और इसे एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि चीनी में जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो क्लियर हो जाएगी। अगर इसकी जगह आप 1-2 ड्रॉप नींबू भी डाल दें तो भी चीनी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह इसे मिक्स करते जाना है। धीरे धीरे चीनी में की जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर आने लगेंगी और चाशनी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो आप अभी देख सकते हो चीनी हमारी बॉइल होने लग गई है और सारी इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर आ गई है। तो इस तरह हम इसे स्पून की हेल्प से या झारे की हेल्प से इसे निकाल लेंगे इस तरह। और इसे बिल्कुल अभी 2 से 3 मिनट इसे इस तरह ही बॉईल होने देना है। तो सारी इम्प्योरिटीज हमने निकाल ली है और 1 से 2 मिनट इसे इस तरह बॉईल होने देना है। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। चीनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम गुलाब जामुन का डो बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्रेटर से मावा हम इस तरह पीस लेंगे, इसे ग्रेट कर लेंगे इस तरह, ताकि इसमें कुछ भी लम्स ना रहे। इस तरह इसे अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। और मावा हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए। फ्रिज में से निकाला और तुरंत बनाया ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह हमने इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से सारा मावा हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम जो पनीर है उसे भी ग्रेट करेंगे इस तरह। तो पनीर भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। पनीर की वजह से गुलाब जामुन का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, मिल्क पाउडर और बेकिंग पाउडर और इसे हमें हाथों से अच्छी तरह मल लेना है इस तरह, जैसे हम आटा लगाते हैं रोटियों का उस तरह से हल्के हाथ से हमें मल लेना है। इस तरह हमने इसे अच्छे से मल के इसका डो बना लिया है, आप देख सकते हो। अगर आपका डो इस तरह नहीं बन रहा है तो आप उसमें और 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें इस तरह का डो चाहिए। इसमें से थोड़ा डो तोड़ेंगे और हाथों पे लेके इसे हल्के हाथ से मलते हुए राउंड करते जाएंगे। तो इस तरह हमें, आपको जो साइज के गुलाब जामुन चाहिए वो साइज का एक बॉल बना लीजिए। लेकिन इतना बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें क्रैक्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह हमने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था, तो गैस हमें मीडियम चाहिए और ऑयल हमें गर्म होने देना है। तब तक हम
हमारी जो चाशनी हमने बनाई है उसे भी उसका भी गैस चालू कर देंगे और उसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इसे इलायची पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स कर ले और इसे गर्म चाहिए। जब हम गुलाब जामुन फ्राई करें तो डायरेक्टली हम चाशनी में गर्म गर्म गुलाब जामुन डालेंगे। तो अभी तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, एक गुलाब जामुन डाल के हम चेक करेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम चाहिए और इस तरह इसे कढ़ाई को पकड़ के इस तरह इसे हिलाना है ताकि गुलाब जामुन का शेप भी हमारा परफेक्ट रहे और इस तरह से अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आने देना है। देख सकते हो हल्का ब्राउन कलर आने लग गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे डायरेक्टली हम गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। तो तेल हमें पूरी तरह से निकाल लेना है। आप गुलाब जामुन घी में भी बना सकते हो इस तरह और इसे डायरेक्टली गरम चाशनी में हमें डालना है। गैस हमें बंद कर देना है। इस तरह हम सारे गुलाब जामुन तल लेंगे। तो एक टाइम में ज्यादा मत डालिए, 4 या 5 गुलाब जामुन हमें फ्राई करने हैं। इस तरह मेरे गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये हलवाई स्टाइल बने हैं, तो आप इन्हें जरूर ट्राई करना और मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन तो दबाना भूलना ही नहीं।